रुपया का जो खरीद की जमीन है, जो मेरे भाभी शहनाज परवीन के नाम से जो जमीन है उसको अपना घर मकान बना रहे हैं उस पर। 2018 में खरीद की जमीन है, 2018 से लेकर आज तक उसका रसीद मोटेशन और करेक्शन स्लिप आज तक कटवाते आ रहे हैं, और आज सन 2023 में जब अपना मकान बना रहे हैं तो नियामुल हक और जाउल हक के द्वारा मनोनीत व्यक्ति, जैसे बड़े बड़े दबंग होते हैं उनके द्वारा गैरकानूनी तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है। एक तरफ से थाना प्रभारी के ऑफिसर एसपी सब आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कार्य करना मना है, और ठीक वही दूसरी ओर देखते हैं तो उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति नियामुल हक और जाउल हक के द्वारा कुछ गुंडा 20-25 लोग आते हैं और यहाँ पर तोड़फोड़ कर देते हैं और मुझे मारते हैं, जैसा कि मेरा कपड़ा सबको देख ही रहे हैं, और मेरे ऊपर गन तान देते हैं मारने के लिए, और साथ ही साथ मेरा मोबाइल जो है छीन कर ले जाते हैं। हाँ, मुझे उम्मीद है कि कानून व्यवस्था पर दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए, एक तरफा नहीं होनी चाहिए। अगर कानून व्यवस्था अगर साथ नहीं देती है तो ग्रामीण एसपी के पास हम अपना गुहार लगाएंगे, अगर उससे भी काम ना बनी तो हम हेमंत सोरेन का दरवाज़ा खटखटाएंगे। दिनांक 27/4/2023 को हम थाना प्रभारी को एक लीगल नोटिस दिए थे जिसमें यह साफ जिक्र किया हुआ था कि मनोनीत व्यक्ति जैसे जियाउल हक और नियामुल हक द्वारा इस प्लॉट पर आकर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी तथा मरवा भी सकते हैं, इस ऐसी स्थिति का हम थाना में दरखास्त दिए हैं। उसके बावजूद दिनांक 29/ को थाना के विरुद्ध आकर लोग उनके मनोनीत व्यक्तियों द्वारा ये सब कार्य किया गया। मुझे उम्मीद है कि थाना प्रभारी इस कार्य इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, अन्यथा हम आला अधिकारी से मिलेंगे। ये देखिए, हम थाना प्रभारी को एक नोटिस दिए हैं जिसमें साफ साफ दर्शाया गया है, प्रभारी को एक लिखित आवेदन दिए हैं जिसमें साफ साफ दर्शाया गया है कि मुझे जान से मारने की धमकी और जान से मरवा सकते हैं, ऐसी नौबत आएगी, और आज दिनांक 29 अप्रैल 2023 को ये नौबत मेरे साथ घटना घटित हो गई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।